Hello everyone, welcome to @botanyhandles. I am Nidhi and today I am here again with a new lecture with a fresh energy. So without any delay, let's get started with our today's topic, that is radioimmunoassay. So today we are going to discuss about the RIA test. Yes, radioimmunoassay is also in the abbreviated form is known as RIA. ठीक है, radioimmunoassay को अगर हम terms में देखें तो इसका क्या मतलब है, that is assay को अगर हम देखें तो assay का मतलब होता है test. इम्यूनो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन हम कह सकते हैं ना, कोई भी चीज़ इम्यूनिटी से रिलेट करेगी तो एंटीबॉडी राइट, एंटीजन ये सब इन्वॉल्व होंगे. और रेडियो से आप क्या समझते हैं, समथिंग इज रेडियो लेबल्ड. ओके, समथिंग इज रेडियो लेबल्ड. सो यहाँ पे रेडियो का उसी चीज़ को जो रेडियो लेबल्ड है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, उस चीज़ को डिनोट करने के लिए रेडियो यहाँ पे यूज़ किया गया है. अगर मैं बात करूँ एंटीजन एंड एंटीबॉडी की, सो व्हाट आर दीज टू टर्म्स. नॉर्मली हमें सबको पता है कि एंटीजन जो है वो कोई भी पैथोजन होता है जो बॉडी को अटैक करता है इन अ हार्मफुल मैनर, एंड एंटीबॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स होती है बॉडी का इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन जो कि अटैक कर रहा है और उससे बॉडी को बचाने के लिए, है ना. लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीजन जो है वो कोई भी चीज़ है, एंटीजन वो कोई भी चीज़ हो सकती है. इन दिस केस अगर हम बात करें, वो कोई भी चीज़ एंटीजन हो सकती है जिससे हमें डिटेक्ट करना है. तो जिसको हमें फाइंड करना है या जिसे हमें डिटेक्ट करना है, वो कोई भी चीज़ क्या हो सकती है, वो एंटीजन की तरह बिहेव कर सकती है. और उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा एक्शन होगा, हमारी बॉडी का एक्शन होगा, जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, जो रिस्पॉन्स हम देंगे वो होंगी एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में. ठीक है, बिकॉज एंटीबॉडी हमेशा रिस्पॉन्स देने का काम करती है एंटीजन के लिए. हम जिस भी चीज़ का यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, वो एंटीबॉडी की तरह यूज़ होगी. ओके, सपोज अगर मुझे प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है, अगर मुझे कोई प्रेगनेंसी हार्मोन को किसी फीमेल के अंदर डिटेक्ट करना है, या फिर हम कह सकते हैं अगर मुझे इंसुलिन का डिटेक्शन करना है बॉडी के अंदर, सो हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, हम प्रेगनेंसी हार्मोन को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इंसुलिन हार्मोन को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो क्या होगा, ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये सब क्या है, हमें इनको फाइंड करना है, डिटेक्ट करना है, दैट इज कि ये प्रेजेंट है या नहीं. तो इसीलिए जिसको हमें फाइंड करना है, जिसको हमें डिटेक्ट करना है, वो कुछ भी हो सकता है, वही एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, उसी को हम एंटीजन मान के चलेंगे. ठीक है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जिस भी चीज़ का यूज़ करेंगे वो होगा एंटीबॉडी. ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो भी तरीका अपनाएंगे, जो भी अलग अलग चीज़ों से उसको डिटेक्ट करेंगे, जिस टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिस तरह से प्रोसीजर लेंगे, एंटीबॉडी उनके लिए हम क्या करेंगे, डिटेक्शन का काम करेंगे. सो वो एंटीबॉडी का काम करेंगे. होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी. तो अगर मैं बात करूं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ रेडियो इम्यूनो टेस्ट, तो आपको यहाँ पे सामने एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें आपको एक लेडी दिखाई दे रही है, उस लेडी का नाम भी आपको शो हुआ है यहाँ पे, रोजालिन येलो. जो रेडियो इम्यूनो टेस्ट है या रेडियो इम्यूनो ऐसे की प्रोसेस है, उसकी डिस्कवरी किसने की, रोजालिन येलो ने की. एंड रोजालिन येलो ने किसके साथ मिलकर, सोलोमन बर्सन के साथ मिलकर क्या किया. सोलोमन बर्सन एक साइंटिस्ट हुए हैं और एक है रोजालिन येलो. इन दोनों ने साथ में मिलके इस टेक्निक का डिस्कवरी किया, इस टेक्निक को डिस्कवर किया है इन द ईयर 1959. ठीक है, इन द ईयर 1959. ओके, तो यहाँ लिखा भी है डेवलप्ड रेडियो इम्यूनोएसेज ऑफ पेप्टाइड हॉर्मोन्स. ओके, इंसुलिन एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्स जो है, इंसुलिन एंटी इंसुलिन, इंसुलिन एंटी इंसुलिन रिएक्शन के बेसिस पे इन्होंने उसकी डिस्कवरी की. ठीक है, चलिए अब अगर आगे बढ़ें तो हमें क्या मिलेगा, आगे हमें मिलेगा अबाउट द प्रिंसिपल. यस, प्रिंसिपल की बात करें तो हमें क्या पता होना चाहिए कि रेडियो इम्यूनोएसे जो RIA टेस्ट है उसका प्रिंसिपल क्या है. तो जो बेसिक प्रिंसिपल है जो काम करता है वो क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, लेट मी चेंज कर लो. यस यस, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियो इम्यूनोएसे इज कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग. आप कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग से क्या समझते हैं, आपने कॉम्पिटिटिव एलाइजा पढ़ा है ना, कॉम्पिटिटिव एलाइजा मैंने भी डिस्कस किया है, इनकेस आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा में आपने क्या देखा कि कुछ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं, और लेबल्ड एंटी लेबल्ड एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है ना. इसी तरह की चीज़ें थी ना वहाँ पे, कि कॉम्पिटिशन होता है, जो ज़्यादा होती हैं जो कम होती है, लाइट इंटेंसिटी होती है, जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है उससे पता लगता है अगर वो लाइट इंटेंसिटी है, इट मीन्स रेडियो वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वहाँ पे. इसका मतलब वहाँ पे क्या है कि एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज डिटेक्शन नहीं हुआ एंटीजन को. इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पे. तो यानी कॉम्पिटिशन हो रहा है, एफिनिटी के बेसिस पे कॉम्पिटिशन हो रहा है कि कौन कितनी एफिनिटी रखता है ना. तो यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है. सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, जहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एंटीजन ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एंटीजन कम्पीट करता है एक नॉन रेडियो एक्टिव एंटीजन के साथ फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ एंटीबॉडी और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स। यानी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट क्यों कहा है? बिकॉज एंटीबॉडी जो होगी यहाँ पे प्री कोटेड रहेगी हमारी माइक्रोटाइटल वेल में, और एंटीबॉडी जब प्री कोटेड है, सपोज ये हमारी माइक्रोटाइटल वेल है, यहाँ पे एंटीबॉडीज पहले से क्या है, प्री कोटेड है, पहले से कोटेड की हुई है, ब्लॉकिंग हमने कर दी है उसकी, और क्योंकि यहीं पर आके एंटीजन जो है चाहे वो लेबल्ड होंगे या अनलेबल्ड होंगे वो आके बाइंड करेंगे, ये दी हमारी एंटीबॉडीज, और यहीं पे आके क्या होंगे, बाइंड करेंगे, तो इसलिए ये रिसीव करेंगे किसको, एंटीजन को, इसीलिए ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट की तरह काम करती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बेसिक प्रिंसिपल जो है रेडियो इम्यूनोएसे का वो है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। कॉम्पिटिशन होगा किसके, एफिनिटी के बेसिस पे, किस किस के बीच में, रेडियो एक्टिव एंटीजन के बेसिस पे। यानी ये जो एंटीजन है, एक तरह के एंटीजन तो यहाँ पे रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होंगे, और किसके साथ करेंगे, जो नॉन रेडियो एक्टिव एंटीजन है, दैट इज दो तरह के एंटीजन यहाँ पे होंगे, जो एक होगा रेडियो एक्टिवली लेबल्ड और एक होगा नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्ड, दैट इज उन पर कोई लेबलिंग नहीं होगी। ठीक है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ एंटीबॉडी पे बाइंड करने के लिए उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है आरआईए टेक्निक। होपफुली ये प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आइए आते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज द प्रोसीजर फॉर आरआईए। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होनी चाहिए, यहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा मेन थ्री कंपोनेंट्स होते हैं आरआईए टेक्निक, एक तो होता है एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जैसे कि हमने बोला ये एंटीबॉडी फिक्स नंबर में होती हैं, और ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये प्री कोटेड होती है माइक्रोटाइटल वेल पे, है ना, प्री कोटेड होती है, पहले से कोटिंग हुई हुई होती है इनकी। ठीक है, इनको हम ये प्री कोटेड होती हैं माइक्रोटाइटल वेल पे, ठीक है, यहाँ पे पहले से कोट की हुई इनको होती है, और ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है, ये भी हमें मालूम है। ओके, सेकंड यहाँ पे एंटीजन यूज़ होते हैं, हमें मालूम है, अभी हम पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल। तो एंटीजन कैसे होते हैं, दो तरह के एंटीजन यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक एंटीजन तो होगा जो रेडियो लेबल्ड होगा, सपोज ये जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ ये रेडियो लेबल्ड है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, ये वाला एंटीजन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। जबकि अगर मैं एक एंटीजन ये बनाती हूँ ग्रीन कलर से, ये एंटीजन जो है ये अनलेबल्ड है, यानी इस पर किसी तरह की लेबलिंग नहीं है, ये अनलेबल्ड एंटीजन है, और ये जो एंटीजन है ये डायरेक्टली कहाँ से आया है, पेशेंट से आया है, पेशेंट के ब्लड से आया है। ठीक है, अब पेशेंट के ब्लड में तो हम नहीं लेबलिंग कर सकते ना, तो पेशेंट के ब्लड से डायरेक्टली आया है ये वाला एंटीजन, इसलिए ये अनलेबल्ड है, इस पर किसी तरह की लेबलिंग नहीं है। ये जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है ये हमें मार्केट से भी मिल सकता है, ठीक है, लैब मार्केट, मतलब मार्केट में ये अवेलेबल होता है लैब एरियाज के फील्ड में, तो वहाँ से ये हमें कमर्शियली ईजिली मिल जाता है। ठीक है, चलो, तो ये पेशेंट ब्लड से आया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सैंपल है। ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारा सैंपल है, हम डिटेक्ट कर रहे हैं कोई डिसीज़ को, तो ये सैंपल की तरह काम करेगा, और अनलेबल्ड एंटीजन है। तो हमारे पास मेनली एक, दो और ये तीन कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे आरआईए को परफॉर्म करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब इधर देखिएगा, आपको ये शायद शो हो रहा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ पे लिखा है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, और ये एंटीबॉडी, दैट इज़ आपको एक एंटीबॉडी शो की गई है, और हमें पता है हर एंटीबॉडी पे क्या होता है, हर हैवी चेन पे क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो इसने वही शो किया है कि ये एक एंटीबॉडी है और यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है, यानी यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव एंटीजन बाउंड एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर्ड, मतलब जो रेडियो एक्टिव एंटीजन बाउंड एंटीबॉडीज हैं उनको प्रिपेयर किया जाएगा, यानी एंटीबॉडीज, ऐसी एंटीबॉडीज को प्रिपेयर किया जाएगा जिन पे जो एंटीजन होंगे वो कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव एंटीजन होंगे। कैसे समझेंगे, देखिए ऐसे समझिए, यस इट इज बीइंग शोन हियर। हाँ, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रोटाइटल वेल है, और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, हम ब्लॉकिंग वगैरह सब कर चुके हैं, यहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या डाला, वो एंटीजेंस को डाला जो कि क्या है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। ठीक है, तो हमने ये लो रेड से आई थिंक मैंने शो किया था, यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, चलो मैंने ये वाली एंटीजेंस को यहाँ पे डाल दिया, ये जो एंटीजेंस है ये रेडियो एक्टिवली बाइंड है, और यहाँ पे बाइंड किससे की हुई है, ये रेडियो एक्टिवली बाइंड, सपोज यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सैंपल है जो बाउंड हुआ है वो है आइसोटोप। ठीक है, वो कोई आइसोटोप है आयोडीन-125, ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, आयोडीन-125 यहाँ पे मेनली यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमने क्या किया कि ये जो एंटीजन था, रेड कलर से हम इसको शो कर रहे थे, ये वाले एंटीजन को जो रेडियो एक्टिवली बाइंड है हमने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखोगे क्योंकि यहाँ पे तो केवल एंटीजन जो कि रेडियो एक्टिवली बाइंड है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, जितनी भी एंटीबॉडीज होगी वो आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये लो, चलो यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा शो हो रहा है, मैं इसको ग्रीन कलर से ही शो करती हूँ। सी, ये जो है ये रेडियो एक्टिवली बाइंड है, ये जो एंटीजन थे रेडियो एक्टिवली बाइंड है, ये एंटीबॉडीज़ पे आके जुड़ गए हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे जब यहाँ पे कोई सैंपल प्रेजेंट नहीं है, केवल एंटीजन प्रेजेंट है वो भी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड वाले, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस टाइम पे जो रेडियो एक्टिव एंटीजन है उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 100% है बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे बाइंडिंग जो हुई है एंटीबॉडी से वो एंटीजन ने बाइंड की है जो लेबल्ड वाले हैं, और यहाँ पे जितने भी एंटीजन है वो सब कैसे हैं, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। चलिए अब अगर सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सैंपल को, ये लो सैंपल डाल दिया, दैट इज लेबल्ड एंटीजन इस सैंपल में नहीं है, कैसे हैं, अनलेबल्ड एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ब्लड सैंपल है, पेशेंट से आया है डायरेक्ट। तो सपोज मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं फिर से ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सके। चलो तो सपोज ये है हमारा अनलेबल्ड एंटीजन, हमने यहाँ पे मतलब जो हमारा सीरम था, ब्लड था, उसको हमने यहाँ पे मिला दिया, उसके अंदर ये वाले एंटीजन है जो अनलेबल्ड है। तो अब आप देखिएगा क्या होंगे, सपोज अब ये जब जैसे यहाँ पे आएगा तो ये जो अनलेबल्ड एंटीजन है और जो ये लेबल्ड वाला एंटीजन है इन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। क्यों, ये जो एंटीबॉडी है इनसे बाइंड होने के लिए, हालांकि यहाँ पे जो लेबल वाला है वो पहले से प्रेजेंट है, तो ये जो सैंपल वाला आएगा ये कहेगा भाई ये तो, क्योंकि अगर ये सैंपल में एंटीजन वो प्रेजेंट हुआ जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एंटीबॉडी स्पेसिफिक है, तो उस पर आके बाइंड करना चाहेगा। तो क्या होगा, ये आके यहाँ पे बाइंड करेगा, बोले भाई ये तो मेरा रास्ता है, मैं तो यहीं पे आके बाइंड करूंगा, तू यहाँ पे कैसे आ गया। तो ये क्या करेगा कि ये जो रेडियो लेबल्ड वाले होंगे इनको डिस्प्लेस कर देगा कंपटीशन में और इनकी जगह पे खुद आके बाइंड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज ये हमारी वेल है, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी अनलेबल्ड एंटीजन थी इन्होंने लेबल वाली एंटीजन को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया और खुद आकर यहाँ पे बाइंड हो गई। तो अब आपने क्या देखा कि शायद कुछ एंटीबॉडीज ऐसी भी हैं जिन पे हमारा लेबल वाला प्रेजेंट है, सपोज वो ये रही, हाँ, लेकिन आपने क्या देखा कि जैसे ही अनलेबल्ड वाली यहाँ पे एंटर की तो जो रेडियो एक्टिव वाली एंटीबॉडीज थी, रेडियो लेबल्ड एंटीजन थी, वो क्या हुई, उनकी मात्रा कम हो गई। जब यहाँ पे 100% थी इनकी परसेंटेज, लेकिन अब यहाँ पे जो इनकी परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हो गई, किसकी, लेबल वाले की, क्योंकि जो सैंपल वाले एंटीजन थे अनलेबल्ड उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज कि यहाँ पे अगर एंटीजन सैंपल में प्रेजेंट है वो वाला जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वाली यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक होती है उस एंटीजन की जिसको हमने डिटेक्ट करना है, तो अगर सैंपल में वो एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अंदर ज़्यादा एफिनिटी होगी कि वो एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक होगी उसी एंटीजन के उसके साथ जाके बाइंड करेगा। इसीलिए वहाँ पे जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन है उनको रिप्लेस करके वो वहाँ पे खुद बाइंड हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जैसे ही इसे हम ये कह सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन और वी कैन से पेशेंट सैंपल, है ना, patient sample in the well, then we can say less will be the percentage, or we can say concentration, lesser will be the concentration of radio labeled antigens, है ना। यही तो हुआ, जितनी ज़्यादा सैंपल वाली यानी पेशेंट के सैंपल की यानी अनलेबल्ड एंटीजन रही उतनी ही कम क्या हुई मात्रा रेडियो लेबल्ड एंटीजन की, बिकॉज इनकी एफिनिटी ज़्यादा थी क्योंकि वो एंटीबॉडी उसके स्पेसिफिक थी, तो वो वहाँ पे आके बाइंड कर दी और रेडियो लेबल्ड को क्या किया डिस्प्लेस कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिल जाएगी, हमें डिटेक्टर हमें बता देगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें हुई है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर सैंपल के अंदर अनलेबल्ड एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हुए, इसका मतलब क्या होगा कि वो यहाँ पे आके बाइंड ज़रूर करेंगे, और अगर बाइंडिंग हो गई इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि हमारी जो हम चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, हॉर्मोन्स को या फिर हम किसी डिसीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब वो प्रेजेंट वहाँ पे है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है उनकी तो अमाउंट ज़्यादा ही रहेगी, बिकॉज वहाँ पे अगर एंटीजन यहाँ के बाइंड नहीं करेंगे जो अनलेबल्ड है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, अगर अनलेबल्ड एंटीजन आके बाइंड ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि वहाँ पे डिटेक्शन नहीं हो रही है, दैट मीन्स रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब ऐसा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप ये चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा एंटीबॉडी, रेडियो एक्टिव एंटीजन बाउंड एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रिपेयर कर ली। एंटीबॉडीज़ जो यहाँ पे है ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन आपको दिखाए गए हैं। इन्होंने इन एंटीबॉडीज़ को और इनको साथ में डाला, तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगी ऐसे। और ये एंटीजन कहाँ है, यहाँ पे ये रेडियो एक्टिवली बाउंड एंटीजन्स हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी। अब इधर देखिएगा आप, द पेशेंट्स अनलेबल्ड एंटीजन आर एडिड। अब यहाँ पे देखिए ये पेशेंट का अनलेबल्ड एंटीजन पेशेंट के ब्लड से ऐड किया गया, तो आप स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया। चलिए अब स्टेप 3 में आ जाइए, तो आप क्या देखोगे, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ आर डिस्प्लेस्ड। जो रेडियो एक्टिवली, ये रेड कलर से आपको शो किया गया है जो अनलेबल्ड है, तो आप देखोगे कि जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ थी दैट इज़ ग्रीन वाली, आप देखो यहाँ पे आपको फ्लोट करते दिखाई दे रही हैं ग्रीन कलर की इस तरह से। इट मीन्स ये जो है वो रिप्लेस हो गई, और किसने रिप्लेस किया, पेशेंट्स के अनलेबल्ड एंटीबॉडीज़ ने, एंटीजेंस ने, जो कि आपको अब एंटीबॉडीज़ के साथ रेड कलर के एंटीजेंस देखने को मिल रही है। वो किसकी है, वो सैम्पल वाली है, दैट इज़ वो पेशेंट वाली है। और वही वो चीज़ें हम अपने आप साथ साथ करते रहेंगे। वॉशिंग वाले स्टेप बफर से वॉश कर देंगे, वॉशिंग बफर सेम यूज़ होगा, हाँ, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग वाली एंटीजेंस हैं जो रिप्लेस हो चुके हैं, इनको भी तो हमें क्या करना होगा, अब हमें फॉल्स रिजल्ट तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, साथ साथ इनको वॉश आउट कर देंगे। और अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अनबाउंड एंटीजेंस आर सेपरेटेड हो चुके हैं, जो अनबाउंड एंटीजेंस हैं, रेडियो एक्टिव एंटीजन बाउंड टू एंटीबॉडीज़ आर मेजर्ड। यानी अब जो अनबाउंड एंटीजेंस हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, बिकॉज वो एंटीबॉडीज़ पे जाके क्या हो चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं, और जो रेडियो एक्टिव एंटीजेंस हैं वो मेजर हो जाएंगे। इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि येस वहाँ पे कोई चीज़ का डिटेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम जो रेडियो एक्टिव एंटीजन जो फ्लोट किए वो वहाँ पर डिटेक्टर उसको एनालाइज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो एप्लीकेशन में हम याद कर सकते हैं कि जो RIA है उसकी जो एप्लीकेशन है वो ड्रग डिटेक्शन में हो सकती है। ब्लड सैंपल से अगर हमें कोई, हमारे पास ब्लड सैंपल हैं, तो उस ब्लड सैंपल में हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर ड्रग उस ब्लड सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं, तो हम उस ड्रग का डिटेक्शन कर सकते हैं, है ना, उस ड्रग का डिटेक्शन कर सकते हैं हम ब्लड सैंपल में से। या फिर हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि ब्लड बैंक की स्क्रीनिंग कर सकते हैं कंटामिनेशन के लिए, कि हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं हम इस चीज़ से, RIA टेक्निक से, कंटामिनेशन को चेक करने के लिए कि कोई कंटामिनेशन तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कॉन्टामिनेंट्स तो प्रेजेंट नहीं है। तो कंटामिनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए ब्लड बैंक की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम हॉर्मोन लेवल की मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, हॉर्मोन लेवल की मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी पर्टिकुलर डिसीज़ से जो एसोसिएटेड एंटीजन लेवल है हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। किसी डिसीज़ से रिलेटेड अगर क्या है, एंटीजन है, तो हम उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ डिसीज एसोसिएटेड एंटीजन, ओके। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं अबाउट RIA, कि हम RIA को इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप इस लेक्चर में अब तक बने हुए हैं और आपको लेक्चर जैसे समझ आया है, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, और अगर कोई डाउट भी होता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, बट प्लीज़ लेक्चर देखिए, आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और क्लियर भी होंगे पॉइंट्स, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच। Bye bye, take care, राधे राधे, thank you.